मां मातंगी, मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज एक और हमारे दर्शक का अनुभव मैं आपको सुनाने जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने हमेशा कहा है कि मैं मां मातंगी का एक छोटा सा सेवक हूं और मैं सेवक ही रहना चाहता हूं। आप मुझे गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ही कहें, मैं इतना बड़ा नहीं कि भगवान की जगह लूँ। हाँ, ये हो सकता है कि गुरु का दर्जा भगवान से भी बढ़कर है, वो बात अलग है। लेकिन आप भगवान के श्रेणी में मेरा नाम ना ले, क्योंकि मैं एक मां मातंगी का छोटा सा सेवक हूँ और उनके चरणों में रहकर ही सेवा करना चाहता हूँ। और जो कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ, जो भी आप लोगों के संकट दूर हो रहे हैं, वो सब मां मातंगी कर रही है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, जो भी करती है मां मातंगी करती है। मैं माता से कह देता हूँ, आप लोगों की अर्जी लगा देता हूँ और मां मातंगी आपके दुख दूर करती है। तो आप लोगों के जीवन में जो खुशियाँ आ रही है उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है मां मातंगी को ही जाता है। अगर आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, सब मां के कृपा से हो रहा है। तो आप लोग मां की भक्ति करें, मां की सेवा करें, सच्चे मन श्रद्धा से, सेवा भाव से मां की भक्ति करें, और भी अच्छा आप लोगों के जीवन में होगा। मैं यही चाहता हूँ और मैं एक छोटा सा सेवक हूँ मां मातंगी का, और छोटा सा ही सेवक रहना चाहता हूँ। अब आगे आप सभी दर्शक हमारे इन दर्शक का अनुभव सुनेंगे, इनके साथ क्या घटना घटित हुई, सुनिए आगे। प्रणाम गुरुदेव, जय मां मातंगी, जय छन्मस्ता, जय बगला मुखी। हे मेरे गुरुवर प्यारे, मुझे बहुत खुशी हुई आपने मेरा वो क्वेश्चन का आंसर दिया। मां मातंगी मंत्र पानी में आमंत्रित करके पानी पिला दो थोड़ा सा। गुरुदेव, क्या है कि 12:11 में आपने रिप्लाई दिया था, सुबह में क्या है बैठा हुआ था, तो आज 6 दिन हो गए मेरे बच्चे को बिल्कुल लेटरिंग नहीं की थी। तो मैंने अब सुबह देखा था आपका, ये 6:13 यानी 6:30 मैंने इस बच्चे को पानी पिलाया मां मातंगी मंत्र का मंत्र करके, तो मात्र 15 मिनट बाद और बच्चे ने खूब एकदम पूरा लेटरिंग कर दिया, एकदम खूब, कोई दिक्कत नहीं रहा। मुझे इस चीज़ को करने में मुझे बहुत खुशी हुई है और मुझे पक्का विश्वास हो गया था, यूँ तो 100% के 1000% विश्वास इसलिए हो गया था जब मैंने साथ साथ गुरुजी ने ही मेरे लिए कुछ दिया है यानी आंसर दिया और गुरुजी ने बताया, तो मुझे इतना पक्का दृढ़, पत्थर से भी कठोर लोहे होता है, लोहे से भी कठोर, इतना विश्वास बन गया कि ये बच्चा 100% नहीं 1000% लेटरिंग अवश्य ही करेगा। और क्या है कि मैं अभी अपना शॉप पर बैठा था तो मेरी बच्ची ने जाकर बोला था कि पापा लाला ने लेटरिंग कर दिया, तो मैं भजा भजा उससे दुकान बंद करके और देख के आया, और तब मैं इनके गुरुजी को क्या है कि वो खुशखबरी देनी चाहिए। गुरुजी, मैं बहुत खुश हुआ हूँ इस बात से, बहुत खुश हुआ हूँ, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा मेरा, बहुत खुश रहा हूँ मैं, मैंने चमत्कार ही देखा है, ये चमत्कार है, ये तो चमत्कार है गुरुदेव, बिल्कुल चमत्कार है, इसको नमस्कार करूँगा। जय मां मातंगी, जय छिन्मस्ता, जय बगला मुखी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव की। गुरुदेव, मैं आज के बाद मैं आपको गुरुजी नहीं बोलूँगा, आप बुरा मत मानना, क्योंकि आप गुरुजी नहीं हो, आप तो हे मेरे मालिक रे भगवान हो आप। वास्तव में मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, आप गुरुजी नहीं, एक साधारण इंसान नहीं, गुरुदेव आप वास्तव में भगवान हो। आज के बाद में मैं भगवान बोलूँगा गुरुदेव, आप बुरा मत मानना, क्योंकि गुरुजी शब्द का उपयोग नहीं करूँगा, आप कहीं बुरा मान लें गुरुदेव मेरा, मैं आपको भगवान का शब्द प्रयोग करके बोलूँगा जी गुरुदेव। हे मेरे मालिक, मैंने जिस दिन से आपका हाथ पैर पकड़ा है, मैं उस दिन से आपका ही पैर पकड़ रहा हूँ, मैं किसी सब कुछ को बोल रहा हूँ, जहाँ तक मेरे देवी देवता घर के पूजे उनको भी बोल रहा हूँ, तुम्हारा ज़्यादा नाम लेता हूँ, लेता तो उनका हूँ पर कभी कभार आपका ज़्यादा लेता रहता हूँ गुरुदेव, आपकी उसमें खो गया हूँ ज़्यादातर। जय गुरुदेव, हे गुरुदेव, मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, खुशी के मारे में बहुत खुश हो रहा हूँ। जय गुरुदेव की। हे मेरे भगवान,
तुझे कोटि कोटि बारवा नमन हे मेरे भगवान, तुझे कोटि कोटि बारवा नमन हे मेरे भगवान, तुझे कोटि कोटि बारवा नतमस्तक। जय भगवान, हे मेरे भगवान प्रेमासाई महाराज, जय हो तुम्हारी। ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हे मालिक।